दोस्तों, क्या होगा अगर दुनिया से चींटी खत्म हो जाए? इस दुनिया पर क्या असर पड़ेगा अगर चींटी का अस्तित्व ही मिट जाए? चींटी के रहने या ना रहने से इंसान की जिंदगी में कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हम लोग अक्सर अपने घरों में चींटी का झुंड देखते हैं जो लाइन बनाकर अपने साथी के साथ चलती है। ये अपने पीछे एक निशान छोड़ जाती है जिसे पीछे की चींटियां फॉलो करती है। दुनिया में आज के टाइम पर 10,000 से भी ज्यादा चींटियों की स्पीसीज पाई जाती हैं और ये इस धरती पर पिछले 80 मिलियन साल से रह रही हैं और इंसानों की इस धरती पर आए हुए अभी 2 मिलियन साल भी नहीं हुआ है। जरा सोचें, ये चींटियां इंसान से कितने मिलियन साल पहले से अर्थ पर हैं। 2022 के नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की एक रिपोर्ट में चींटियों की पॉपुलेशन बताई गई है 20 क्वाड्रिलियंस। इतने बड़े नंबर्स को अगर आप पर ह्यूमंस डिवाइड करते हैं तो एवरेज एक इंसान के मुकाबले में 25 लाख चींटियां रहती हैं और आज 700 करोड़ से भी ज़्यादा इंसान इस धरती पर मौजूद हैं। अब आप 700 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 25 लाख करोगे तो एक बहुत ही ह्यूज नंबर आएगा जिसे देखकर इंसानी दिमाग हैरत में पड़ जाएगा। और यह नंबर चींटियों की ह्यूज पॉपुलेशन को दर्शाती है। चींटियों के ख़त्म हो जाने से सबसे पहले असर होगा पेड़ पौधों पर। नंबर 1, रिडक्शन इन सॉइल एरेशन। आपने देखा होगा चींटियां खेतों की मिट्टी में छोटा छोटा होल या कहें एक पतला सा टनल्स बनाकर रहती हैं और इसी टनल की वजह से ऑक्सीजन और पानी ज़मीन के अंदर तक जाता है जिससे पेड़ पौधों के जड़ों को मजबूती मिलती है। इस प्रोसेस को सॉइल एरेशन कहते हैं। पेड़ पौधों के एक हेल्दी ग्रोथ के लिए उनके जड़ों को ऑक्सीजन और वाटर के मिलना बहुत ज़रूरी होता है और ऑक्सीजन और वाटर को पौधों के जड़ तक पहुँचाने का काम ये चींटियाँ द्वारा बनाए गए टनल्स करते हैं। अगर चींटियाँ ख़त्म हो जाए तो इसका डायरेक्ट असर पेड़ पौधों पर होगा। कुछ महीनों बाद ऑक्सीजन और वाटर सही मात्रा में नहीं मिलने के कारण दुनिया के सारे पेड़ पौधे मुरझा जाएंगे और इसका डायरेक्ट असर हमारे इकोसिस्टम पर होगा। अब जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि दुनिया में इसका कितना भयानक असर पड़ेगा। पेड़ एकमात्र ऐसा जरिया है जो धरती को फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और जब पेड़ ही नहीं बचेगा तो फ्री का ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा और बिना ऑक्सीजन ज़िंदगी संभव ही नहीं है। नंबर 2, रिडक्शन इन सॉइल फर्टिलिटी। चींटियाँ अपना घोंसला पेड़ों के पत्तों में भी बनाती है, वो अपना खाना पीना भी वहीं पर करती है। एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स के मुताबिक चींटियों के पत्तों पर रहने से पत्तों की न्यूट्रिशन बढ़ जाती है और जब वो पत्ता पुराना होकर टूट कर नीचे गिरता है तो नीचे की मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ने से ज़मीन में बोए हुए बीज से एक अच्छी क्वालिटी के अनाज की उपज होती है। चींटियों के ख़त्म हो जाने से मिट्टी की फर्टिलिटी पर भी असर पड़ेगा और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे खाने वाले अनाज पर पड़ेगा। नंबर 3, इम्बैलेंस इन इकोलॉजी। बेसिकली चींटियाँ फूड पिरामिड्स के एक अहम हिस्सा हैं। चींटियाँ के रहने से एक फूड चेन डेवलप होता है। ऐसे कई बर्ड्स हैं जो चींटियों को खाकर ही जीवित हैं, जैसे वुडपीकर, हमिंग बर्ड्स, पेंगोलिन्स। ये सबका मेन शिकार चींटी ही है और चींटी के नहीं रहने से इनकी ज़िंदगी पर भी असर पड़ सकता है। चींटी के नहीं रहने से एक पूरा फूड पिरामिड ही अनबैलेंस हो सकता है। फूड पिरामिड के अनबैलेंस होने से इकोसिस्टम भी ब्रेक हो जाएगा और इससे पूरे धरती पर एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन इन सब चीज़ों के होने के बावजूद हमें अपने घरों में कोई ऐसी चीज़ें नहीं फैलानी चाहिए जिससे घर में चींटियों की पॉपुलेशन बढ़ जाए और इससे रहने वालों को प्रॉब्लम होने लगे। हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए चींटी एक अहम हिस्सा है, लेकिन इनकी पॉपुलेशन घरों के बाहर जैसे खेतों और बगीचों में हो तो ही बेहतर है हम सभी लिविंग ह्यूमन के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।